नाज़रीन आदाब, पेश है आज की अहम खबर। आज हम आपको बताएंगे कुछ हैदराबाद की ऐसी बातें जिसको शायद ही आप जानते होंगे। आइए देखते हैं ये तफसीली रिपोर्ट। स्पॉन्सर्ड बाय एक्सक्लूसिव पीसी वर्ल्ड, एड्रेस सीडीसी बिल्डिंग, सिकंदराबाद। शायद ही आपको ये बात मालूम होगी कि हैदराबाद में 140 वैरायटीज की बिरयानी पाई जाती है। उनमें से कुछ है हैदराबादी चिकन दम बिरयानी, हैदराबादी लैम बिरयानी, हैदराबादी ज़ाफ़रान बिरयानी, कच्चे गोश्त की बिरयानी और ऐसी ही कई बिरयानी हैदराबाद में मिलती है। शायद ही आपको ये बात मालूम होगी कि 1956 तक हैदराबाद एक स्टेट था और निज़ाम उसे राज करते थे। सरदार पटेल ने इंडियन आर्मी के साथ मिलकर हैदराबाद को इंडियन यूनियन का हिस्सा बनाया और फिर हैदराबाद आंध्र प्रदेश का एक हिस्सा बना और अब हैदराबाद तेलंगाना का हिस्सा है। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म स्टूडियो भी हैदराबाद में मौजूद है और वो है रामोजी फिल्म सिटी। जी हाँ, रामोजी फिल्म सिटी दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म स्टूडियो है। वर्ल्ड नंबर वन टेनिस प्लेयर रह चुकी सानिया मिर्जा एक हैदराबादी गए और हैदराबाद में रहती हैं। दुनिया का सबसे बड़ा स्नो पार्क भी हैदराबाद में मौजूद है और वो है स्नो वर्ल्ड। जी हाँ, स्नो वर्ल्ड दुनिया का सबसे बड़ा स्नो पार्क है और 8000 स्क्वायर मीटर्स पर मौजूद है। इंडिया का सबसे बड़ा फ्लाईओवर भी हैदराबाद में मौजूद है और वो 11.6 किलोमीटर का है। साउथ इंडिया का सबसे खूबसूरत और बड़ा म्यूजियम भी हैदराबाद में है, जो है सालार जंग म्यूजियम, जिसमें करीब 40,000 से भी ज्यादा एंटीक आइटम्स मौजूद हैं। शायद ही आपको ये बात मालूम होगी कि हैदराबाद में बठिनी गॉड ब्रदर्स आस्थमा के मरीज के लिए फ्री में मछली की दवा देते हैं। कहा जाता है कि ये मछली की दवा खाने के बाद अब तक लाखों लोगों को आस्थमा से छुटकारा मिला। तो ये थी हैदराबाद की कुछ ऐसी बातें जिससे आप वाकिफ नहीं थे, कुछ और बातें हैं जिसे आप नहीं जानते और हम इस वीडियो की पार्ट टू में आपको बताएंगे वो और बातें जो आप हैदराबाद के बारे में नहीं जानते। तो बने रहिए सच न्यूज़ के साथ। चीफ ब्यूरो शरफुद्दीन की रिपोर्ट।